बारिश के मौसम में भुट्टे बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इस टाइम इसका सीज़न भी है, तो इस सीज़न में बनाइए कॉर्न भजिया, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और काफ़ी क्रिस्पी होती है। ये नॉर्मल पकौड़े से काफ़ी अलग होता है इसका टेस्ट, तो आप एक बार इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए फिर इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप फ्रेश कॉर्न लिए हैं, जिसको हमें हल्का सा ग्राइंड करना है। इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको एक से दो सेकेंड के लिए ग्राइंड करना है, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाए। और ऐसा करने से जब आप पकौड़ों को तेल में डालेंगे तो वो फटेंगे नहीं, तो इसको सिर्फ हमें एक से दो सेकेंड के लिए बस हल्का सा ग्राइंड करना है। तो देखिए अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं, बस केवल हमें इसका मॉइस्चर रिलीज़ करना है। तो अब इसमें एक मीडियम साइज़ का फाइनली चॉप्ड प्याज, बारीक कटा हरा धनिया, धनिया आप इसमें थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और दो से तीन कटी हरी मिर्च, और आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, वन पिंच हल्दी, और आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और आधा नींबू का रस, चम्मच में देखेंगे तो ये एक छोटा चम्मच है, और तीन चम्मच बेसन। अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे एक चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो काफ़ी टाइट हाथों से आपको इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर एक चम्मच केवल पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं ऐड करना है, और इसको एक मिनट तक और अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। बस हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये आपस में इस तरीके से इकट्ठा ना हो जाए, इस तरीके से तब तक हमें इसको मिक्स करना है। तो ये रेडी है फ्राई करने के लिए, चलिए फिर इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, जिसको हमें अच्छे से गर्म करना है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल नहीं गर्म करना है, मीडियम हॉट तेल चाहिए आपको यहाँ पर। अब इस तरीके से हमें इसमें भजियों को ऐड कर देना है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार इस बरसात के सीज़न में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने प्याज आलू सबके पकौड़े बहुत खाए होंगे, आप एक बार इसको भी बनाकर देखिए, ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। काफ़ी क्रिस्पी होते हैं ये पकौड़े, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो जितने यहाँ पर एक बार में आसानी से आए, हमें यहाँ पर उतने पकौड़ों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सारे पकौड़ों को ऐड कर दिया है। अब इसको उलटते पलटते हमें कम से कम 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और ये काफ़ी कुरकुरे हो जाते हैं अंदर तक, तो आपको केवल इसको 5 से 6 मिनट तक ही फ्राई करना है। तो इसको उलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है। तो बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये एक तरफ से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो आपको इसको लगातार चलाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, तो इसको हम 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे अभी। तो आप इसको चाय के साथ या फिर हरे धनिया की चटनी, सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बारिश के मौसम में एक बार आप इस भजिया को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। तो कॉर्न भजिया फ्राई होकर पूरी तरीके से तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है, ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो बहुत ही कम टाइम में रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है। तो चलिए फिर इसको सर्व करते हैं। तो एक कटोरी कॉर्न में आप 1 से 2 लोगों के लिए भजिया को आराम से रेडी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है,
बस आपको इसको हल्का सा ग्राइंड करना है, नहीं तो ये तेल में डालते समय फट सकते हैं। और तेल आपको यहाँ पे मीडियम हॉट लेना है। तो ये बिल्कुल तैयार है, तो हमारे कॉर्न भजिया बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको बिना चाय के या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।